सिद्धारमैया कर्नाटक में 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। राज्य में ढाई ढाई साल तक सत्ता के समझौते जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक MB पाटिल ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो पार्टी हाईकमान और महासचिव KC वेणुगोपाल को इसकी जानकारी प्रदेश इकाई को जरूर देते। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। कांग्रेस ने 224 सीटों में से 135, BJP ने 66 और JDC ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। नतीजे आने के बाद कांग्रेस में CM पद को लेकर 5 दिन तक मंथन चला रहा। सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच दावेदारी थी। आलाकमान ने सिद्धारमैया को चुना। DK को सोनिया गांधी ने डिप्टी CM के लिए मनाया। भाजपा तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष अन्नामलाई ने 21 मई को दावा किया कि कर्नाटक सरकार 1 साल के भीतर गिर जाएगी। उन्होंने कहा, मैं कर्नाटक सरकार को अब से 1 साल बाद ताश के पत्तों की तरह डहते हुए देख रहा हूँ। अगर DK शिवकुमार और सिद्धारमैया 2024 तक नहीं लड़ते हैं तो दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का ढांचा ही दोषपूर्ण है। दोनों नेता 2.5 साल के लिए CM रहेंगे, क्योंकि पार्टी में दोनों के 10-10 नेता है। यह किस तरह का ढांचा है? इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ।